वेलकम टू माय चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टडी टिप। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कंपोनेंट्स में हमने पहले दो टाइप्स डिस्कस की। कंपोनेंट्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट को डिस्कस किया और ब्लड वेसल्स को। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड को। तो अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ब्लड के ऊपर हमें क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड को डिस्कस करते हैं, ब्लड क्या होता है। ब्लड एक कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है जो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन में जो ब्लड की अमाउंट होती है वो 8% होती है टोटल ब्लड बॉडी वेट के, या हम कह सकते हैं 5 लीटर प्रेजेंट होता है, 5 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। कंपोजिशन हम देखते हैं ब्लड की। ब्लड में दो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक ब्लड प्लाज्मा, दूसरा हम कह सकते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। ये ब्लड प्लाज्मा की नेचर है कि वो लिक्विड पार्ट होता है। अगर हम इसके कंपोजिशन देखें तो ये 55% होता है, प्रेजेंट होता है ब्लड के वॉल्यूम में। 55% ब्लड के वॉल्यूम में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। इसकी नेचर क्या है, ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का। देन हम इसकी करते हैं, देन हम कंपोजिशन देखते हैं इसकी। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो कंपोज करता है 90% ऑफ वाटर। ब्लड प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 7 to 8% प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स में हार्मोन्स भी आते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, एंटीबॉडीज भी आती हैं और फिब्रिनोजेन भी आता है। 7 to 8% प्रोटीन्स होती हैं। 0.9% साल्ट प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड की जो पीएच है उसको मेंटेन रखता है। ब्लड की पीएच होती है 7.4। फोर्थ पॉइंट पे हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं तो 0.1% शुगर प्रेजेंट होता है और 2 to 3% न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। 55% ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें 100% में तो 90% प्लाज्मा की कंपोजिशन हम देख रहे हैं। 100% में 90% ब्लड होता है, 7 to 8% प्रोटीन्स होती हैं, 0.9% साल्ट प्रेजेंट होता है, 0.1% शुगर होता है और 2 to 3% जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रेजेंट होते हैं। देन हम ब्लड सेल्स को डिस्कस करते हैं। ब्लड सेल की डेफिनेशन देते हैं तो ब्लड सेल जो होता है वो सॉलिड पार्ट होता है ब्लड का जो कि 45% होता है ब्लड के वॉल्यूम में। ब्लड सेल्स तकरीबन 45% होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हम देखते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स को डिस्कस करें उससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो अगर हम टेस्ट ट्यूब में ब्लड लें और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, कुछ मिनट्स के लिए, जब हम कुछ मिनट्स के लिए छोड़ देंगे उसे तो येलो कलर का फ्लूइड लिक्विड जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा दूसरे सेल्स से। सेलुलर कंपोनेंट जो होगा ब्लड में वो सेटल डाउन हो जाएगा, जबकि पेल येलो लिक्विड जो होगा वो टॉप पे आ जाएगा। और वो जो पेल येलो लिक्विड होगा वो ब्लड प्लाज्मा होगा, जबकि जो सेलुलर कंपोनेंट नीचे सेटल डाउन हो गया था वो ब्लड सेल्स होते हैं। अब हम टाइप देखते हैं ब्लड सेल्स की। टाइप्स में हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, लिकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स को स्टार्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स का हम अगर अदर नेम देखें तो एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। नेचर हम देखें रेड ब्लड सेल्स की तो ये जो होते हैं मोस्ट न्यूमरस होते हैं ब्लड ऑल ब्लड सेल्स में। शेप हम देखते हैं इनकी, ये स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं और फ्लैटेड, स्मॉल सर्कुलर फ्लैटेड और बाय कॉन्केव इन शेप होते हैं।
कलर हम इनका देखें तो रेड कलर होता है इनका, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होते। नंबर जो इनका होता है क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ द ब्लड कंटेन, अ क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन 5 मिलियन इन मेल एंड 4 मिलियन इन फीमेल। नंबर इनका देखें 5 मिलियन मेल में होता है और 4 मिलियन फीमेल में होता है। अगर हम क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में देखें तो रेड ब्लड सेल्स का नंबर 5 मिलियन मेल्स में प्रेजेंट होता है और 4 मिलियन ब्लड फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मेशन हम देखें तो ये लिवर में बनते हैं और स्प्लीन में, एंड एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये बनते हैं, लेकिन बर्थ के बाद ये बोन मैरो में बनते हैं। 2.5 मिलियन रेड ब्लड सेल जो होती हैं वो बनते हैं एक सेकंड में 2.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। अगर हम इनका लाइफ स्पैन देखें तो 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 120 होता है। रेड ब्लड सेल्स को हमने डिस्कस किया, इसका अदर नेम हमने बताया अर्थीरियोसाइट्स, इनके शेप बताई कि ये राउंडेड सेल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, फ्लैटेड होते हैं और बायकनकेव होते हैं। इनका कलर बताया रेड कलर होता है, किस वजह से होता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन अगर हम देखें तो वो कौन से क्या होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होती है वो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन आपको पता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग, जिनकी एफिनिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए इनकी एफिनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और तकरीबन 100 मिलीलीटर ब्लड में एब्जॉर्ब करता है 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड एब्जॉर्ब करता है, 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन करता है और ट्रांसपोर्ट करता है उसे टिश्यूज़ की तरफ, बॉडी टिश्यूज़ की तरफ। हीमोग्लोबिन जो होता है वो जो ब्लड में 100 ml ऑफ ब्लड में होता है वो एब्जॉर्ब करता है 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। एफिनिटी आपको पता होगा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं। और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, जिसकी वजह से वो उनमें ऑक्सीजन में लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड में और देन ट्रांसपोर्ट कर देता है टिश्यूज़ की तरफ। वाइट ब्लड सेल्स हम देखें, वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को डिस्कस करने से पहले एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देती चलूं कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये इनका रेट ऑफ रेन्यूअल जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर एस्टिमेटेड तौर पे हम देखें 2.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉयड होते हैं बॉडी में एवरी सेकेंड। 2.5 बनते हैं और 2.5 एवरी सेकेंड में डिस्ट्रॉय भी होते हैं। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो वो स्प्लीन और लिवर में जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन और लिवर से बनते भी हैं और जो डेड होते हैं वो स्प्लीन और लिवर में ही जाते हैं। अब हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स को। वाइट ब्लड सेल्स को अगर हम दूसरा नाम दें तो लीकोसाइट्स हम कहेंगे इनको, और इनकी शेप देखें तो इररेगुलर शेप होती है और रेड ब्लड सेल्स से ये लार्जर होते हैं। कलर हम इनके देखें तो ये कलरलेस होते हैं। नंबर 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड कंटेन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड कंटेन 7,000 to 8,000 वाइट ब्लड सेल्स। न्यूक्लियस जो होता है ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता जबकि वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन अब इनकी देखें, फॉर्मेशन हम देखें तो ये बोन मैरो में बनते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 3 to 4 days होता है। इनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है और तकरीबन हम कह सकते हैं कि 7 hours to 3 days तक होता है इनका लाइफ स्पैन। एक्सेप्शन आती है कुछ लिम्फोसाइट्स में जो कि लॉन्गर पीरियड के तौर पे रह जाते हैं जब उनकी नीड होती है बॉडी में, इस वजह से तब एक्सेप्शन आ जाती है लिम्फोसाइट्स में। हम इनके देखते हैं टाइप्स देखते हैं, इनकी जो टाइप्स हैं वाइट ब्लड सेल्स की 2 टाइप्स हैं, ए ग्रैन्यूलर और ग्रैन्यूलर, इनकी 2 टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रैन्यूलोसाइट्स और ए ग्रैन्यूलोसाइट्स में, इनके ए ग्रैन्यूलर और ग्रैन्यूलर। ग्रैन्यूलर्स में आते हैं
न्यूट्रोफिल्स और एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स, थ्री टाइप्स आती हैं वाइट ब्लड्स की ग्रेन्यूलोसाइट में। ग्रेन्यूलोसाइट्स और एक ग्रेन्यूलोसाइट इसलिए कहा कि इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और एक ग्रेन्यूलोसाइट्स में नहीं प्रेजेंट होते। न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स, एक ग्रेन्यूलर में आता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स हम देखते हैं वो क्या होते हैं, वो कंटेन करते हैं फाइन साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स को, दैट कैन बी सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमें न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे फाइन साइटोप्लाज्मिक के ग्रेन्यूल्स के तौर पर। एजिनोफिल्स हम देखें तो इनके जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो लार्ज होंगे और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा जो डिवाइड होगा टू लोब्स में, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड होगा। बेसोफिल्स हम देखते हैं अगर तो वो पेल, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो पेल होता है जो कि हिडन होता है ग्रेन्यूल्स से। एक ग्रेन्यूलोसाइट्स हम देखते हैं तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होते हैं ये स्मॉल मीडियम होते हैं, अगर हम कह सकें तो लार्ज भी हो सकते हैं। मीडियम और लार्ज लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हमें दिखते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की फॉर्म में। मोनोसाइट्स हम देखते हैं तो वो लार्ज फॉर्म एलिमेंट्स से लार्जेस्ट होते हैं और इनके जो साइटोप्लाज्म होता है वो अबंडेंट होता है और रिलेटिवली क्लियर होता है। लिखा भी हुआ है लार्जेस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट्स और साइटोप्लाज्म जो होता है इनका अबंडेंट और रिलेटिवली क्लियर होता है। अब हम इनके डायग्राम्स देख लेते हैं सबकी। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये है ब्लड वेसल, आर्टरीज है, उनमें से ब्लड पास कर रहा है। इनमें अब देखें ये रेड कलर का भी है, ब्लूइश कलर का भी है और यहाँ पे एक इरेगुलर शेप में भी आपको स्मॉल फ्रेगमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। रेड कलर में जो है वो है रेड ब्लड सेल्स, ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाला यह हो गया, यहाँ पे ये देखिए ये छोटे, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं और जो इरेगुलर शेप में आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये प्लेटलेट्स हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो न्यूट्रोफिल्स ये हैं। न्यूट्रोफिल्स में जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एजिनोफिल्स के लार्ज ग्रेन्यूल्स देखिए, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, दो लोब्स, न्यूक्लियस के दो लोब्स होते हैं तो यहाँ पे आपको ये दो लोब्स का न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और प्रोमिनेंट ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आपको ये नज़र आ रहे होंगे। बेसोफिल्स का पेल न्यूक्लियस होता है देखिए और लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स हैं और यहाँ पर आ जाते हैं मोनोसाइट्स। देन हम डिस्कस करते हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स का हम सेकंड नेम देखें तो हमने अदर नेम कहें तो थ्रोम्बोसाइट्स होता है। शेप अब इनकी देखते हैं कि इनकी शेप कैसी हो, कि ये ट्रू सेल्स नहीं होते, दे आर नॉट ट्रू सेल्स, बल्कि ये फ्रेगमेंट्स होते हैं लार्ज सेल्स के जिन्हें हम कहते हैं मेगा क्रियोट्स। इस लार्ज सेल्स के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम मेगा क्रियोट्स कहते हैं। ये स्मॉल होते हैं और इररेगुलर स्पिंडल शेप होते हैं जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया शेप्स इनकी। कलर हम देखें इनका तो पर्पल इन कलर होते हैं, न्यूक्लियस नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। नंबर हम देखें तो 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड कंटेन 250,000 to 500,000 प्लेटलेट्स। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 250,000 to 500,000 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मेशन हम इनकी देखते हैं तो ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, पर डे में 200 मिलियन ब्लड प्रोड्यूस होते हैं। लाइफ स्पैन इनका 5 to 8 days होता है और डिस्ट्रक्शन अगर इनकी देखें तो ये जो जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो स्प्लीन में हो जाते हैं और तकरीबन 200 बिलियन सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक डे में प्लेटलेट्स। फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स हम देखते हैं, अब होल फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स हम देखते हैं। इनका फंक्शन है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं डाइजेस्टिव फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डाइजेस्टिव फूड्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से वो दूसरे पार्ट्स को देते हैं। ये मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, ब्लड कीप द ऑल द टिश्यूज मॉइस्ट,
ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बताया प्लाज्मा जो होता है ब्लड का, वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, साल्ट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल्स को। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को लंग्स से जो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं लंग्स से लेके ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। और प्लेटलेट्स का बता दिया, वेस्ट प्रोडक्ट और ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से किडनी और लंग्स की तरफ। और जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्मोन्स को ग्लैंड से वायरस पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ। और नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड सेल टेम्परेचर रेगुलेशन के तौर पर भी हेल्प करते हैं। ये हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरी बॉडी में ताकि जो बॉडी पार्ट्स हैं ऑल बॉडी पार्ट्स वो मेंटेन कर सकें, यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इनगल्फ करते हैं बैक्टीरियास को, जैसे कि फेगोसाइटोसिस के तो प्रोसेस के जरिए, और एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज जो होती है वो पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करती हैं। ये जो प्रोसेसेस होते हैं जिनके ज़रिए वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरियाज और एंटीजेंस को। और ये प्रोटीन्स होती हैं ब्लड्स में जिन्हें हम कहते हैं फेब्रिनोजन, जो कि हेल्प करती हैं क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग में, क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं और बॉडी को सेव करती हैं ब्लड वेस्टेज से। ये जो फेब्रिनोजन प्रोटीन होती है वो हेल्प करती है क्लॉटिंग में और बॉडी को सेव रखती है ब्लड वेस्टेज से। हम कह सकते हैं कि ये जो होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं ये मेंटेन करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ द ब्लड। फॉर एग्जांपल एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये मेंटेन करते हैं। ये था ब्लड जो कि कंपोनेंट था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का या कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम का, ये एक कंपोनेंट था। हमने सारे कंपोनेंट डिस्कस कर लिए, पहले ह्यूमन हार्ट को डिस्कस किया, फिर ब्लड वेसल्स को डिस्कस किया, देन इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ब्लड को। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगी, अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।